हाय फ्रेंड्स, कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? है ना, अच्छा चल रहा होगा। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपने गेन किया होगा, है ना। अभी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है। लास्ट मोमेंट में आप और रिवाइज़ कीजिए और टेक्स्ट बुक को भी देखिए, है ना। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको ओवरव्यू कीजिए, अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना। तो वो सब आप देखना है। तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल सभी चैप्टर्स के लेके आया हूँ। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, सभी चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगा रिवीजन के लिए। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 का है जो फिजिकल बैलेंस के बारे में, है ना। फिजिकल बैलेंस है ये, एक तरफ 60 सेंटीमीटर का है और दूसरी तरफ 40 सेंटीमीटर का है। तो ये डिफेक्टिव फिजिकल बैलेंस। अभी व्हाट वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ लॉन्गर आर्म विल बैलेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 ग्राम फोर्स ऑन द अदर पैन। तो यानी कि इधर में लॉन्गर पैन में कितना लगाना है, ठीक है। तो ये आ गया, एंड में रहता है पैन्स। तो यहाँ पर वेट हो गया अननोन वेट, और इधर है 100 ग्राम फोर्स। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से जब पैन होता है, ये क्लास 1 लीवर है, तो लीवर के हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही लीवर में लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये वेट इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वेट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देन जब दोनों इक्वल होंगे तब क्या होगा, वो बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आपको क्या करना है, अभी ये मोमेंट ऑफ फोर्स आपको निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, 60, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट रिवीजन कीजिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इधर में है 100 × 40, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो वेट इज इक्वल टू 100 × 40/60। तो आप कैंसिल कीजिए, तो आ जाएगा 2, 3, सो 200/3, तो 66.7 ग्राम फोर्स आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो और यदि कोई फोर्स है तो उसको इसके साथ ऐड करना है, इधर में फोर्स है तो इसके साथ ऐड करना है। तो क्या फोर्स है और क्या डिस्टेंस है उसका फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये आपको लेना है, ठीक है। ये आप फिर से रिविजन हो गया आपका, ओके। अभी सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं। वाटर पम्प रेजेस 50 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25। देखिए, तभी यहाँ पर जो वाटर का वॉल्यूम दिया है 50 लीटर्स, ठीक है। हाइट आपको दिया है 25 मीटर, यानी लिफ्ट कर रहा है पम्प, ठीक है। टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एफिशिएंसी दिया है 50%। तो इसका पावर रेटिंग क्या है, तो सबसे पहले इसका पावर निकालना है, कितने पावर से वो काम कर रहा है ना एक्चुअली, और उसका पावर रेटिंग हमको निकालना है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जी दिस पम्प इज़ रेजिंग वाटर, तो तुरंत आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, MgH। तो MgH में अभी आपको M चाहिए, तो अभी M तो यहाँ दिया नहीं है डायरेक्टली, जी दिया है, एच दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, डेंसिटी दिया है 1000 kg/m³, ठीक है। तो अभी मास निकालते हैं, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम कितना दिया है, 50 लीटर्स, अभी डेंसिटी दिया पर मीटर क्यूब। अभी 1 लीटर में या 1/1000 m³ रहता है, क्योंकि 1 m³ में 1000 लीटर्स होते हैं। तो ये याद करिए, तो कुछ कुछ जो कन्वर्शन फैक्टर आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो 50/1000 × 1000, ये kg/l का kg में आ गया, क्योंकि ये m³ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 50 kg। तो वैसे भी वाटर जो है 50 लीटर है, तो 50 kg होगा, क्योंकि डेंसिटी 1000 है। तो चलिए अभी इसमें पुट कर लेते हैं। तो मास कितना है, 50 kg, ऐसा यूनिट है। जी कितना है, 10। एच कितना है, 25। तो जब भी आप कुछ भी रेज होगा, एनर्जी निकालना है, तो आपको MgH यूज करिए, ठीक है।
और यदि इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एम मास या हाइट नहीं दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो कितना हाइट में जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से आपको फिर निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम हाइट में सेम रहता है, तो यही आपको कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरली जब कुछ भी रेज्ड होता है तो आपको कोई बॉय क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स है ना, गोइंग अप, तो ये एमजीएस लगाना है। सो 25 इंटू 50 इंटू 10 इंटू हाइट 25 है ना, कितना होगा 525 एंड 12, ये जूल आ जाएगा क्योंकि मास में ये आ गया SI यूनिट में। अभी आपको हाँ इसे 50% एफिशिएंसी दिया। अभी एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन चैप्टर में वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट है ना, तो ये निकालना है। ओके यहाँ पर सॉरी पावर निकालना था पहले, तो पावर हम निकाल लेते हैं W बाई टी, एनर्जी बाई टाइम। सो 125/5, तो ये आ जाएगा 2500 वाट। यदि आप चाहे तो MGH डिवाइडेड बाई टी एक साथ कर सकते हैं, वो भी राइट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी चलिए अभी एफिशिएंसी हम पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट में हम के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट या पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, दोनों राइट है। तो अभी यहाँ पर एफिशिएंसी 50% है और पावर आउटपुट, ये जो पावर आउटपुट है वो है एक्चुअली काम कर रहा है, तो ये 2500 और इनपुट है पावर रेटिंग, तो ये आपको निकालना। तो क्या हो जाएगा, सो पी इनपुट इज इक्वल टू 5000 वाट, तो उसका जो पावर रेटिंग उस मार्किंग रहता है वो 5000 लिखा होगा, लेकिन वो ओनली 2500 वाट में काम करेगा क्योंकि रेस्ट कहाँ गया, वो साउंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, वाई एफिशिएंसी इज 50%, व्हाट हैपेंड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी आपको इसमें एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना। जब भी वेलोसिटी दिया रहेगा आप काइनेटिक एनर्जी यूज़ करना है, और जब भी हाइट दिया रहेगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, स्पेशली जब कुछ रेज्ड है ना, ऊपर गया, ऊपर ले जाया गया, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट है, अ नट कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 kgf, तो यानी कि जो नट को ब्रेक करने के लिए 40 kgf आपको फोर्स लगाना है, तो ये हो गया लोड 40 kgf विद अ नट क्रैकर। ठीक है, नट क्रैकर, ओके, बाय यूजिंग अ नट क्रैकर हैविंग इट्स हैंडल 20 cm लॉन्ग। अभी ये जो नट क्रैकर होता है ये सेकेंड क्लास लीवर है, तो यहाँ पर फलक्रम, यहाँ लोड रखेंगे और यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे और यहाँ से ऐसे करके हैंडल रहता है ना। तो ये एक्चुअल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, तो जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। सो हैंडल 20 cm, तो ये पूरा 20 cm हो गया, तो देखिए, तो एफर्ट आर्म आपका आ गया 20 cm। फिर बाय प्लेसिंग इट एट अ डिस्टेंस 2 cm फ्रॉम द हिंज, तो ये हिंज है, यहाँ से रोटेट करता है, ये 2 cm में ये नट रखा है। सो ये हो गया लोड, लोड फ्रॉम फलक्रम इज लोड आर्म, सो 2 cm, तो आ गया। तो इसलिए विच क्लास ऑफ लीवर, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। देन आपको मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड यूजिंग क्रैकर, एक्चुअली लोड है उसका 40 kgf, लेकिन अभी क्रैकर, नट क्रैकर से कितना लगाना है, तो यानी कि एफर्ट हमको निकालना, तो एफर्ट कितना है, तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। तो फॉर्मूला लिखिए, फिर आपको वैल्यू पुट कीजिए, एफर्ट मालूम नहीं, एफर्ट आर्म 20, लोड कितना है 40 और लोड आर्म 2, सो एफर्ट इज इक्वल टू, सो 4 kgf, तो इस तरह से आ गया। तो kgf हमने यूज़ किया और ये भी दोनों सेंटीमीटर में, तो
इसलिए आपको क्या करना है उसमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में तो ये फार्मूला लगाइए, नहीं तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लीजिए, एफर्ट एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, फिर आप एफर्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये डायरेक्ट फार्मूला है आप यूज़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, इस तरह से दिया है, मीडियम वन से मीडियम टू में जाता है और लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है ये, और ये एंगल है आपका इधर 45 और ये एंगल है 60 डिग्री, तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर, तो ये तो आपको मालूम है और यह एंगल से भी दिया हुआ है, तो सी बाई वी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो भी होता है, लेकिन यहाँ हम एंगल के बारे में दिया है तो ये साइन आई बाई साइन आर लगाएंगे। ओके अभी आई कितना है, तो अभी यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो आपको केयरफुल रहना है कि आई क्या 45 है, ये 45 है, नो, तो आई इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंड द इंसिडेंट, सो दिस इज आई एंड दिस इज यस 90 माइनस 45, तो 45 ही आएगा, तो साइन 45 आ गया। ओके और दूसरा है ये है आर, दिस इज़ नॉट एंगल आर, ठीक है, तो ये इसलिए कभी दिया है फटाफट बच्चे पुट कर देते हैं, इसका मीनिंगफुली आपको करना पड़ता है, सो साइन 90 माइनस 60 ये 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का हाफ, सो √2 यानी कि 1.414, तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स आपको निकालने पड़ेंगे। और यदि स्पीड का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सी बाई वी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, ये है इको से है, तो इको का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इको का क्वेश्चन आएगा। अभी इको में आप देखना है कि दो टाइप के क्वेश्चन है ना बेसिकली, तो एक है सोनार से यानी कि उसमें साउंड यूज होता है, और एक होता है रेडार, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर रेडार के बारे में, तो रेडार का टाइम दिया हुआ है रिफ्लेक्टेड साउंड 0.2 सेकेंड और इसमें रेडियो वेव्स होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज होगा, आपको डिस्टेंस निकालना है एनिमी प्लेन का। तो रेडार ने डिटेक्ट किया द रिफ्लेक्टेड साउंड आफ्टर 0.02 सेकेंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी प्लेन फ्रॉम द रेडार, तो VT×T, तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, तो VT/2 लेना आपको, सो 3×10⁸ × 0.02/2, तो इसको अब 3×10⁸ और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2/100/2, तो ये आ गया, सो 3×10⁶, ये 2 माइनस हो जाएगा सेकेंड्स, तो इतने सॉरी थ्री इंटू 10⁸ दिस इंटू दिस, हाँ ठीक है, सो 3×10⁶ डिस्टेंस आप निकालना है तो मीटर है, तो आपको इस स्टेप में आपको मार्क्स मिल जाएगा और स्टेप में मार्क्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप मीटर नहीं लिखे हैं तो आपको फिर इसमें 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो ये है वर्किंग स्कीम, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, ये सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, तो 1, 1, 2, ये यूनिट गलत है, वैल्यू गलत है, तो यहाँ 2 मार्क्स ही आपको मिलेगा, तो स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन आपको यदि यहाँ मिस्टेक है तो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आंसर भी रॉन्ग आएगा, स्टेप भी रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन से टैली कीजिए, राइट फार्मूला लिखिए और उसको वैल्यू पुट कीजिए, तो इस तरह से न्यूमेरिकल चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से है पावर, है ना, इसमें गीजर दिया हुआ है 2500 वाट 250 वोल्ट। ओके तो इससे करंट निकालना है, अरे I=P/V, है ना, I=P/V होता है, क्योंकि हमारे पास P है, ये V है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सो 2500 बाई
250, सो ये 10, सो 10 एम्पियर करंट वो विड्रॉ करेगा. एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 आवर्स, तो अभी एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ये यूज कीजिए. देखिए पावर दिया है ना, और टाइम दिया है 30 आवर्स, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 आवर्स, सो टाइम है 30 आवर्स, आवर्स में दिया है. और पावर हो गया 2500, वोल्टेज हो गया ये 250 वोल्ट. तो अभी क्या करते हैं, जब हम किलोवाट आवर में आंसर निकालते हैं, पहले वीडियो में आपने देखा होगा, देखिए पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर में रखना है, तो पावर इनटू टाइम, तो ये एनर्जी का यूनिट होता है. तो इसलिए पावर देखिए 2500 बाय 1000 करना है, क्योंकि इसको सिंपली किलोवाट में करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000, 1 किलोवाट में 1000 वाट, इनटू टाइम 30 आवर्स. तो 30 आवर्स को चेंज नहीं करना सेकंड में, जब हम सेकंड में करेंगे और इसको वाट ले करेंगे तो वो जूल में आंसर आएगा, ठीक है. तो ये यहाँ पर एनर्जी इन किलोवाट आवर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो बिल के बारे में. सो 75 जूल मत लिखिए, किलोवाट मत लिखिए, किलोवाट आवर लिखना, क्योंकि ये एनर्जी है, किलोवाट है पावर का यूनिट, तो ये भी ख्याल रखिए. तो यूनिट के आधार पे मार्क्स देखते हैं, तो यूनिट गलत है तो मार्क्स भी गलत जाएगा. तो अभी कॉस्ट कितना होगा, हमने 75 यूनिट है ना, किलोवाट आवर मतलब यूनिट, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ बोला है, तो 75 इंटू 10, सो रुपीज़ 750. तो ये, तो इस तरह से हम सॉल्व करना है, जो बिलिंग इलेक्ट्रिक बिल करंट यदि दिया है, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन से आप ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V² / P, है ना, V भी अवेलेबल है, P भी अवेलेबल है. और इसमें एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर. तो 100 वाट बल्ब का और 60 वाट बल्ब का किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो पावर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा फॉर गिवन वोल्टेज. अब वोल्टेज तो घर में हमको 250 सप्लाई होता है या 220 सप्लाई होता है, वो फिक्स्ड है फॉर ऑल अप्लाइंसेस, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर. तो इस बेस में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट जाते हैं हम, फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वाट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg मटेरियल ऑफ गिवन स्पेसिफिक कैपेसिटी फ्रॉम 18 डिग्री टू 38 डिग्री. तो ये कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम है, तो चलिए कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना. कैलोरीमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सियोर है, ये आएगा. तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन सेक्शन में आ सकते हैं, एक टाइप है सिंगल मटेरियल और एक है दो मटेरियल को मिक्स करते हैं लेकिन कोई फेस चेंज नहीं होगा, है ना. तो क्या करना है, जब भी फेस चेंज नहीं होगा, ओनली टेम्परेचर चेंज होगा, तो Q = mC∆T लगाना, जो मैंने पहले वीडियो में भी चर्चा किया, ठीक है. तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो ये आ गया फॉर्मूला. अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है, पावर ऑफ द हीटर दिया है जिससे हम हीट कर रहे हैं मटेरियल को, सो 500 वाट टाइम निकालना है, और टेम्परेचर मास दिया है 50 kg, और सी दिया है 960 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस, एंड डेल्टा टी आप ले लीजिए 38 - 18, 18 - 38, 38 - 18, 20 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी है. तो अभी ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, अभी हमको निकालना है टाइम, टाइम निकालना है कैलोरीमेट्री में, फिर यहाँ हीटिंग हो रहा है, उतना चिंता नहीं करना. तो आपको जब भी जो हीट है ना, तो उसको निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला लगाइए, देखिए MC∆T, तो मास है 50 kg, और देखिए C भी पर kg में दिया है, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, 960, एंड डेल्टा टी है 20, सो 1000 टू 960, सो 960000, ये जूल आ गया. तभी हमारे पास एनर्जी आ गया, कितना हीट देने से वो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो यहाँ पर हीट एनर्जी यूज हो रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू P/T फॉर्मूला आ जाता है, T = P/Q, तो ये लगा दीजिए, सॉरी
एक गलत लिखा मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू एनर्जी बाई पावर, और एनर्जी इज इक्वल टू क्यू बाई पी, तो ये आ गया। तो टी इज इक्वल टू क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी, क्यू आ गया 96000 और पावर है 500, तो कैंसिल कीजिए 5149102 20, ये सेकेंड्स आ गया, तो ये आपको आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें एक ही सब्सटेंस है एम सी डेल्टा टी, और दो सब्सटेंस रहेंगे। तो आप देखिए जैसे जो सीयर शॉट वीडियो मैंने बनाया, तो इधर में पहला सब्सटेंस, इधर सेकेंड सब्सटेंस, हीट लॉस्ट या हीट गेन किससे होगा? जो हाइयर टेम्परेचर बॉडी होगा वो हीट लॉस्ट करेगा और लोअर टेम्परेचर हीट गेन करेगा, दोनों में यही फार्मूला लगेगा। तो उसमें फिर निकाल के इक्वेट कीजिए। यदि आप हीट लॉस्ट निकाल लेते हैं करेक्टली, उसमें एक मार्क्स, हीट गेन भी अलग से निकाल लेते हैं उसमें भी एक मार्क्स अलग से मिल जाता है, फिर उसका आप सॉल्व करते हैं, राइट आंसर विथ यूनिट 1 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम होता है। तो इसलिए स्टेप्स लिखिए, जैसे हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, कौन सा हॉट बॉडी, हायर टेम्परेचर, वो क्या कर रहा है, तो एम सी डेल्टा टी, उसका वैल्यू से पुट कर दीजिए, एक नंबर मिल जाएगा, वैल्यू पुट करने में उसमें एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल मत छोड़िए, अच्छा से कीजिए। चलिए, और दूसरा जो है फेस चेंज के बारे में जो है कैलोरीमेट्री का ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर, देखिए 5 ग्राम वाटर दिया है मास 20 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस में है ना, चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया। तो कितना हीट रिलीज करेगा, ठीक है, और इसमें सी दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और एल दिया है 3336 जूल पर ग्राम, तो ये आ गया वैल्यूज। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर को कूलिंग कर रहे हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस टू, तो वाटर 20 डिग्री में है, तो ये पहले सीधा सीधे जीरो में आएगा। अभी जीरो तक क्यों लेते हैं, क्योंकि जीरो के बाद फिर ये कुछ और होने वाला है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन फ्रीजिंग होने वाला है, तो इसलिए यहाँ आके रुक जाते हैं, फिर दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं, तो ये जीरो ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, Q1 mC delta T, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है ना, फेस चेंज हो रहा है, तो कितना हीट ये रिलीज करेगा, तो ये Q2 mL। सो इस स्टेज में ये देखिए अभी आइस बन गया, 20 डिग्री सेल्सियस वाटर था, आइस बन गया। तो पहले 20 से जीरो लेके आइए, फिर जीरो से फिर फ्रीज कीजिए। तो वैसे आइस भी जब मेल्ट करता है पहले वाटर में आएगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, दो स्टेप में होगा। तो ये की पॉइंट्स है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए हाउ मच हीट, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टोटल हीट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो एक साथ लिख सकते हैं, नहीं तो आप अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय वाटर टू 18 0 डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला में पुट कर दीजिए, फिर हीट लॉस्ट बाय वाटर रिलीज बाय वाटर टू चेंज इन टू आइस, फिर ये फार्मूला है, फिर बाद में ऐड कर लीजिए, वो भी सही है, उसमें भी मार्क्स मिलेगा 1-1, अलग अलग स्टेप में 1-1 मार्क्स, तो इसमें भी मिल जाएगा। तो आपको एक साथ यदि ये समझ में आता है प्रोसेस, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, एम कितना है 5 ग्राम, चेंज करना है नहीं, क्योंकि ये भी ग्राम में है, तो 4.2 ये वाटर का चेंज हो रहा है, तो वाटर का सिला है।